hello everyone and welcome to jobzda i hope you all are well and safe at your homes students welcome to our new course of jkpsc assistant registrar cooperatives students as you all know that we have uh, inaugurated our new course of jkpsc assistant registrar and uh, in the previous lectures we have discussed with you the syllabus of this uh, course proper course राइट right? ओके okay, तो आ, लास्ट वीडियो पे मैंने आपको कोऑपरेटिव्स का सिलेबस डिस्कशन किया था आपके साथ और मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव्स को आपने उसमें कैसे कैसे डील करना है क्या पढ़ना है और क्या होता है कोऑपरेटिव्स इन अ वेरी नट राइट तो अब हम आज एक एक मैं आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा ऑन कोऑपरेटिव तो यहीं से ही आज से ही हमारा जो ये कोर्स है वो स्टार्ट हो जाता है ओके स्टूडेंट्स ओके तो स्टूडेंट्स वन थिंग आई वांट फ्रॉम योर साइड इज़ दैट कि आपने एक तो पहले ट्रस्ट कर रहा है पूरा मेरे पे और दूसरा आपने जो भी चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करनी है ठीक है Uh, जो भी कॉपरेटिवस का जितना भी सिलेबस है या जो भी है जैसा भी है इसको हमने uh, बहुत अच्छे से समझ के करना है इसमें आप रट्टा तो मार ही नहीं सकते उसको तो आप भूल ही जाओ राइट तो इसको आपने अच्छे से समझना है और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है अगर मैं आपको एक बात बोलूँ तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इतना बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है कोऑपरेटिवस राइट एक चीज़ हो गई दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है अगर बात करें हम सोर्सेस की कि uh, मेरे क्या सोर्सेस रहेंगे तो मैम क्या हम कहाँ से पढ़ सकते हैं हमें कौन सी बुक्स मिल सकती हैं तो उसके लिए मैं सबसे पहले ही आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि राइट नाउ कोऑपरेटिव्स का इतना मटेरियल मार्केट में नहीं है राइट right? अभी इतना मटेरियल मार्केट में नहीं है ना ही प्रॉपर सोर्सेस आपको मिलेंगे ऑनलाइन राइट right? अगर आप डायरेक्ट टॉपिक्स के नाम लिख के भी अगर आप गूगल सर्च करते हो और उसमें अगर आप देखते हो मटेरियल तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डोंट गो फॉर दैट मटेरियल बिकॉज़ उस मटेरियल का एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए कि वो जो मटेरियल है वो कहाँ से आया ठीक है तो ऑनलाइन चीज़ें भी सर्च करने का एक तरीका होता है प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट्स देख सकते हो ठीक है तो मेरा क्या सोर्स रहेगा मेरा सोर्स रहेगा नंबर ऑफ़ रिसर्च पेपर्स नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट आर्टिकल्स नंबर ऑफ गवर्नमेंट यू नो द एक्ट्स रेगुलेशंस और जो भी हैं सब गवर्नमेंट साइट से ही मेरा जो है वो मटीरियल uh, रहेगा uh, सारा जो मटीरियल वो रहेगा एक चीज़ दूसरी चीज़ प्लस माई डिप्लोमा मेरे डिप्लोमा के नोट्स मेरे अपने नोट्स एंड माय ओन नॉलेज ठीक है तो इतने सारे सोर्सेस से अगर आपको ऑलरेडी एक मैम उस सबको मिला कर नट क्रक्स करके आपको दे रही है तो आपको और उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है अगर आप यहाँ से लेक्चर देख कर बाहर जाकर कहीं और से दोबारा कहीं पढ़ते हो तो आई एम श्योर कि आप कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक्स ही ऐसे हैं किसी ने इस टॉपिक को अगर सीक्वेंस में नहीं चलाया कोई चीज चीज़ पहले से बाद में पढ़ा दी बाद की पहले पढ़ा दी तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है तो अब आप, आपको इस चीज़ को जैसे मैं करा रही हूँ आपको वैसे ही इसको फॉलो करना है और इसको यहीं पर ही ऐसे ही समझने की कोशिश करनी है राइट चलो स्टार्ट करते हैं अगर हम अगर मैं थोड़ा सा आपको यहीं पर अभी सिलेबस का ही एक क्रक्स दे दूं कि हम क्या पढ़ेंगे कोऑपरेटिव्स में और हमें कॉपरेटिव्स में एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है कॉपरेटिव्स के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है तो वो हम जरा देख लेते हैं सबसे पहले तो आपको कॉपरेटिव का मीनिंग पढ़ना है ठीक है मीनिंग इन देंस कि क्या मतलब होता है कोऑपरेटिव्स का ठीक है कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या होता है किस लिए होती है ये इसके अंदर कौन कौन होता है क्या एलिमेंट्स है वो सब आपने इसमें कोऑपरेटिव के मीनिंग में यहाँ पर पढ़ने हैं ठीक है थेके? मीनिंग के बाद हमने देखना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है ठीक है इसकी हिस्ट्री क्या है स्टूडेंट्स देखो कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ जब किसी हमारे इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ का अगर इन्वेंशन होती है या कोई भी मूवमेंट आती है कोई भी रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है उस हर मूवमेंट रेवोल्यूशन के पीछे उसकी हिस्ट्री होती है राइट right? कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ के ड्रॉबैक से निकल कर या कोई कोई ना किसी ना किसी चीज़ के कोई ऐसे बैड फेस से निकल कर वो चीज़ जो है आगे निखर के आती है तो हमेशा जो भी मूवमेंट जो भी रेवोल्यूशन आई हैं दुनिया में उन हर रेवोल्यूशन और मूवमेंट के पीछे एक हिस्ट्री रही है कि क्या कारण था उसका आने का क्यों हमें वो रेवोल्यूशन क्यों हमें वो मूवमेंट जो है वो लानी पड़ी तो उसके बारे में भी हमने कोऑपरेटिव्स की भी कुछ ऐसी ही हिस्ट्री है कि क्यों कोऑपरेटिव्स को आना पड़ा क्या क्या ज़रूरत थी हमें कोऑपरेटिव्स को इंट्रोड्यूस करने की ठीक है तो उसमें हमने इसमें हिस्ट्री पढ़नी है अब जब अब अगर हम बात करें यहाँ पर हिस्ट्री की ऑफ कॉपरेटिवस की तो ऑब्वियसली इंडिया में तो हर चीज़ लेट ही आती है राइट तो हमने हिस्ट्री अगर देखनी है कोऑपरेटिवस की तो हमने इसको दोनों में देखना है सबसे पहले वर्ल्ड में कहाँ आई उसके बाद हमने देखना है कि ये इंडिया में कहाँ आई और कैसे आई ठीक है ये चीज़ हमने यहाँ पर इसकी देखनी है पहला मीनिंग उसके बाद हिस्ट्री हिस्ट्री में ही हम लोग इसका ओरिजिन भी पढ़ लेंगे कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई राइट उसके बाद हमने यहाँ पर देखना है कि ये डेवलपमेंट जब ये जो है जब कॉपरेटिव जो हैं दुनिया में आ गए इन्वेंशन हो गई इनकी हिस्ट्री हमें पता चल गई वर्ल्ड में जो है ये इस्टेब्लिश हो गई जो हो गया उसके बाद इसकी क्या डेवलपमेंट हुई मतलब उसके बाद ये कॉपरेटिवस को कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई उसमें कैसी ग्रोथ हुई पहले वो किस सेक्टर में आई थी किस फील्ड में आई थी उसके बाद वो कितनी सारी फील्ड्स में चली गई फिर उसकी टाइप्स बन गई फिर बहुत बड़ा ग्रुप हो गया छोटे से तो ये सब भी हमने इसमें देखना है डेवलपमेंट में कि कैसे कैसे फिर कोऑपरेटिवस में डेवलपमेंट हुई ठीक है अब जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसको भी हमने विद रेफरेंस टू इंडिया ही हमने ज़्यादा देखना है अब डेवलपमेंट हो गई अब डेवलपमेंट के बाद क्या हो देखना है हमने इसमें डेवलपमेंट के बाद हमने यहाँ पर देखना है इसमें कि अब इंडिया में ठीक है इंडिया में जब कोई भी चीज़ आई जब इंडिया में कॉपरेटिव आया उसके बाद इसके क्या जो थे एक्ट्स बने क्या रेगुलेशन्स आई क्या क्या हुआ तो वो सब हमने इसका देखना है लेजिस्ेशन्स में ठीक है मतलब कि इसके ऊपर कैसे कैसे लेजिसलेशन्स आए कौन कौन से एक्ट्स आए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कैसे कैसे रूल्स बनाए क्या क्या गवर्नमेंट ने किया मतलब लेजिस्लेटिवली हमने इसको देखना है कॉन्स्टिट्यूशन में ये कब एंटर हुआ ये कैसा सब्जेक्ट है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है या एक एक ये सेंटर सब्जेक्ट है तो ये सब हमने यहाँ लेजिसलेशन्स में इसको यहाँ पर देखना है फिर लेजिशन के बाद ही हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा योर क्रेडिट सिस्टम लाइक ठीक है सी बी सी एस सी डी एस सी एस सिस्टम आ जाएगा देन नाबार्ड है हमारे पास पी एस सी एस है तो वो सारे जो सिस्टम्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए जो ये सब लेजिस्लेशन की टाइम लाइन पर ही आएगा कि कॉपरेटिव आगे कैसे बढ़ा ठीक है अब वन मोर थिंग यहाँ पर एक चीज़ आपने ये देखनी है कि आप पोस्ट कौन सी भर रहे हो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ठीक है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की देख रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज रहेगी दैट इज योर रोल आपका रोल रोल ऑफ रजिस्ट्रार ठीक है कि आपका क्या रोल रहेगा रजिस्ट्रार का क्या रोल रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कोऑपरेटिव्स ग्रुप में एक रजिस्ट्रार का क्या रोल है उसके क्या फंक्शंस हैं उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं वो किस लेवल पर उसको अपॉइंट किया जाता है क्या क्या होता है वो सब आपने पढ़ना है एंड दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस राइट तो ये भी चीज़ हमने इंपॉर्टेंटली यहाँ पर पढ़नी है अब इसके भी ऊपर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है स्टूडेंट्स कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ठीक है ये जितनी भी चीज़ें हैं मीनिंग हिस्ट्री डेवलपमेंट लेजिस्लेशन वर्ल्ड में इंडिया में रजिस्ट्रार का रोल इन सबको हमने बेसिकली विद स्पेशल रेफरेंस टू योर यूटी जे एंड के को दिमाग में रख के ही यहाँ पर इसको देखना है ठीक है अल्टीमेटली इट इज़ आर स्टेट्स कमीशन एग्ज़ाम तो इसमें हमें अपनी स्टेट को ध्यान में रखते हुए इस सिलेबस को कंटिन्यू करना है कि हमने अपनी स्टेट में हमारी स्टेट में क्या हिस्ट्री रही है कोऑपरेटिव की हमारी स्टेट में कितनी डेवलपमेंट हुई है हमारी स्टेट में क्या क्या लेजिस्लेशंस हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉपरेटिव और क्या रोल है रजिस्ट्रार का समझ आया ये चीज़ ठीक है तो ये सब तो हमने पढ़ना है बट विद स्पेशल रेफरेंस टू योर जे एंड के ठीक है ये चीज़ हमने यहाँ पर इसको हम हर पॉइंट पे रिलेट करेंगे जब हम ये चीज पढ़ेंगे तब तो हम इसको हर पॉइंट पे रिलेट करेंगे कि अब इस पॉइंट का जे एंड के में क्या है इस पॉइंट का जे एंड के में क्या है राइट right, स्टूडेंट्स अब एक चीज और पहले ही मैं क्लियर कर दूँ देखो स्टूडेंट्स अभी इस टाइम पर जम्मू में सब लोग लगे हुए हैं कॉपरेटिवस के ऊपर फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट है न्यू सब्जेक्ट है लोगों को कई लोगों को पता भी नहीं है जस्ट हल्का सा वो गूगल मार्क के मीनिंग देख रहे हैं उनको समझ आ रहा है बोल रहा है हाँ भाई चलो ठीक है हम पढ़ा लेंगे इसको तो इतना इजी तो नहीं है ये फॉर श्योर sure. अगर आप इसकी हिस्ट्री में अगर हम जब मैं स्टार्ट करूंगी आप इसकी हिस्ट्री में ही गोलमोल हो जाओगे और हिस्ट्री को रिलेटेड जितना मटेरियल शायद मेरे पास है और मैं जितना आपको इम्पार्ट करूंगी वो अभी तक नहीं होगा किसी के पास आज मार्केट में नोट्स नहीं है महीना डेढ़ के बाद आपको वो नोट्स मिल भी जाएंगे मगर मेक श्योर sure, देखना आप कि जब वो नोट्स आप देखोगे तो उससे पहले आप यहाँ पर वो सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे क्योंकि यही नोट्स बाद में मार्केट में भी आने वाले हैं क्लियर एक चीज़ दूसरी चीज़ ये यह यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलें ठीक है तो आपका जो ये एग्जाम है इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद यू हैव योर इंटरव्यू सेशन अब इंटरव्यू सेशन जब होता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही आपसे पूछे एंड इससे ये सब का आपको पता है कि इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं राइट इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने यहाँ सिलेबस में पढ़ा है अगर आप वो फुल रट के जाते हो अच्छे से पटाच करके कर जाते हो याद करके जाते हो तो आपको जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन अगर वो पूछे तो आपको आ जाए नहीं क्या पता वो आपको इसके बाहर पूछ ले अब इसके बाहर पूछने का मतलब ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं मोस्टली बच्चे क्या हमारा यही पढ़ने का रहता है कि जैसा सिलेबस में लाइन दी है हमने बस उसी को ही देख के चलना है हमने बस ऐसे वो घोड़े की सेध की तरह बस उसी के ऊपर चलते रहो बट आपको उसके आगे पीछे की चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए ठीक है अगर आपको एक्ट जे एंड के का जो पहला एक्ट है 1989 का कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अगर आपको उसी के रिलेटेड कुछ पूछ लिया तो आप तो खाली एक्ट पढ़कर गए आपने तो उसके पीछे की हिस्ट्री पढ़ी नहीं कि भाई वो लाया किसने क्यों लाया क्या जरूरत पड़ गई थी जम्मू कश्मीर में वो एक्ट लाने की क्या तो वो फिर वहाँ पे आप जो तो इसीलिए मेरा पॉइंट यहाँ पर इस कोर्स में ये रहेगा कि मैं आपको सिलेबस तो कंप्लीट करवाऊँ बट उसके साथ उसके आगे पीछे की चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है इंटरेस्टिंग रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स ये जो है टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पर बट आपको इसको ध्यान से भी पढ़ना है अच्छे से भी पढ़ना है ठीक है अच्छे से समझ के पढ़ना है रट्टा लगाने का तो इसमें कोई स्कोप ही नहीं है स्टूडेंट्स इसमें रट्टा लगाने का कोई भी स्कोप नहीं है ठीक है तो ये थोड़ा सा मैंने आपको सिलेबस क्रैक करके बता दिया कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है एंड स्पेशली हमने इसको विथ रेफरेंस टू जे एंड के ही पढ़ना है ठीक है अब अगर हम अब हम स्टार्ट करते हैं कॉपरेटिव ठीक है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग राइट right? की मीनिंग की मीनिंग क्या है कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है एक कोऑपरेटिव का ठीक है कोऑपरेटिव एज द नेम एज द वर्ड सजेस्ट ये दो वर्ड से पता है को एंड ऑपरेटिव ठीक है अब कोऑपरेटिव को का मतलब ही होता है साथ ठीक है को माय को पायलट माय को पैसेंजर माय को कलीग तो को का मतलब ही होता है साथ में ठीक है एंड ऑपरेट का मतलब होता है कुछ करना काम करना या कुछ भी चीज़ का एक्शन होना तो कॉपरेटिव का मतलब होता है साथ में मिलकर काम करना साथ में कुछ लोग एक ग्रुप बनाकर काम करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉपरेटिव ठीक है कोऑपरेटिव सिंपल कोऑपरेटिव का मतलब क्या हुआ साथ में मिलकर काम करना उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव्स ठीक है अब कॉपरेटिव का अगर हम यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हैं कोऑपरेटिव्स के कि जब आप एक क्रॉप कॉपरेटिव बनाते हो कोऑपरेटिव कहने का मतलब जब आप कोई ग्रुप बनाते हो तो फिर उसके क्या फीचर रहते हैं ठीक है थेके? देखो कॉपरेटिव और सिंपल ग्रुप या सिंपल अगर हम ऐसी बात करें तो उसमें डिफरेंस है हुं? कोपरेटिव्स के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कॉपरेटिव के कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं कॉपरेटिव के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनको उसी पे ही स्टिक रहना होता है कॉपरेटिव उसी के ही लिहाज से चलती है कोपरेटिव और अलग से किसी और को देख कर नहीं चलती एक चीज़ ठीक है अब हमने पहली चीज़ यहाँ पर क्या बोली कि कॉपरेटिव इज़ इन एसोसिएशन ऑफ़ ग्रुप ठीक है सॉरी एसोसिएशन ऑफ़ पीपल है यहाँ पर वन uh, सेकेंड ये है यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पीपल ठीक है क्या होता है कॉपरेटिव मैंने बोला कि एक ग्रुप बनाना एक साथ काम करना तो ग्रुप किसका होगा इंसानों का ही होगा ठीक है एक ग्रुप बनाना अब देखो ग्रुप बनाने की जरूरत क्या पड़ती है देखो कॉपरेटिव वो लोग बनाते हैं अगर एक इंसान के पास इतने अच्छे से उसके पास सफिशेंट जो है वो रिसोर्सेज uh, नहीं हैं मगर इतने रिसोर्स हैं कि वो कुछ कर सके कुछ स्टार्ट कर सके मगर इतने रिसोर्सेज हैं कि वो उसका स्टार्ट करने के लिए उसको कुछ बूस्टअप चाहिए तो वो खुद से अकेला खड़ा नहीं हो सकता तो वो क्या करता है वो अपने जैसे और लोगों को देखता है वो अपने जैसे और लोगों को ढूंढता है और उनको बोलता है कि आओ हम साथ मिलकर क्योंकि हमारी अकेले अकेले जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी तो क्यों ना हम एक साथ काम कर कर अब हम सब अपने अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसको इकट्ठा कर कर एक ही सेम पर्पज़ पर काम करके हम इकट्ठा ग्रुप में काम करें सो so दैट हम सबकी नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो जाए हम सबका लाइवलीहुड जो है वो अच्छे से चल जाए ठीक है देखो कोऑपरेटिव्स का मतलब एक्चुअली में साथ में मिलकर काम करना क्या होता है जैसे सपोज करो मैं हूँ मैं मैं हूँ मेरे पास कुछ रिसोर्स हैं अब जब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो जब हम यहाँ पर रिसोर्स की बात करते हैं कि हम ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या किया अपने अपने रिसोर्स जो हैं वो इकट्ठा किए तो रिसोर्स क्या हो सकते हैं रिसोर्स मटीरियल भी हो सकता है मतलब रिसोर्सिस कोई चीज़ भी हो सकती है या रिसोर्स मैन भी हो सकता है ठीक है इंसान का सोर्स अब इंसान का रिसोर्स क्या होता है लेबर योर स्किल्ड वर्कर्स योर आर्टिस ये सब क्या है लिविंग्स है ना पीपल ही है ना तो रिसोर्स कोई भी चीज़ का हो सकता है या तो वो कोई चीज़ हो मटेरियल हो या तो वो कोई मैन हो ठीक है अब जैसे मैं हूँ मेरे पास कुछ रिसोर्सेज है मगर मेरे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि मैं अकेले से अपना कुछ स्टार्टअप कर सकूँ या मैं अकेले से अपना कुछ कोई शॉप खोल सकूँ ठीक है अब दूसरा इंसान है उसके पास एक खाली उसके पास घर पे खाली शॉप सी पड़ी है बट वो खाली शॉप है उसके पास उसके पास अंदर कुछ रखने के लिए सामान नहीं है कि वो उस शॉप को यूज़ करके बेच के उससे कुछ फ़ायदा ले सके ठीक है अब मेरे पास सामान है कुछ बेचने को उसके पास शॉप है ठीक है तो मैं उसको बोलती हूँ कि भाई तेरा भी अकेले काम नहीं चल रहा मेरा भी अकेले काम नहीं चल रहा तो क्यों ना हम साथ में मिल जाएँ और साथ में मिलकर काम करें पर्पज़ तो हमारा सेम ही है कि अपने लाइवलीहुड्स अपनी नीड्स को पूरा करना अपनी इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसको ठीक करना रिवाइव करना तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें और जो प्रॉफिट होगा या जो भी होगा उससे हम दोनों का बेनिफिट होगा म्यूचुअल बेनिफिट होगा तो खुद की भी मदद और हम दोनों की भी मदद ठीक है ऐसे बनते हैं ग्रुप ये होता है रिसोर्सेस ठीक है अब जैसे सपोज करो अब दो बंदे हम मिल गए एक ने मुझे शॉप दी खाली और एक ने मैंने इसको सामान दे दिया अब सामान को वहाँ से उठा के लेके जाने के लिए बहुत बड़ा सामान है तो उठा के लेके जाने के लिए मेरे पास बंदे नहीं है क्योंकि मेरा घर दूर है और वो शॉप दूर है तो एक बंदा बीच में से उठ के आएगा बोलेगा मेरे पास रिसोर्स है इन द फॉर्म ऑफ मैन है ना कि उसके पास रिसोर्सेज है एज लेबर या तो वो बोल सकता है कि मैं खुद ही लेबर हूं मैं एक रिसोर्स हूँ तो ये भी हो सकता है कि मेरे को अभी कोई काम नहीं मिल रहा तो क्यों ना मैं ही तुम्हारा काम वहाँ पर पूरा कर दू उठा कर लेकर जाऊं वहां पर रख दू तो, रख दू, तो मेरा भी फायदा हो जाएगा तो क्लियर ठीक है तो ती, तीसरा बंदा और जुड़ गया हमारे पास तो ऐसे ऐसे हम सब ने अपने अपने कोई ना कोई रिसोर्सेज इकट्ठे किए और हम तीनों का पर्पस क्या था हम तीनों का पर्पज़ था एक ही क्या अपना लाइवलीहुड ठीक करना अपने लिए क्या करना पे, अपने लिए खर्चा निकालना अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना ठीक है अब हमारा काम भी हो गया हमारे रिसोर्स भी यूज़ हो गए और हमें बेनिफिट भी हुआ अब देखो सामान मेरा था शॉप उसकी थी सामान उसने उठा के तीसरे बंदे ने वहाँ से उठा के, वहां कर वहाँ पर लेकर गया तो फिर फायदा किसका होना चाहिए मतलब जब हमारा सामान बिकेगा शॉप से तो जो हमारे पास कंज्यूमर्स कस्टमर्स आएंगे जो हमें वो कैपिटल uh, देंगे जो मनी देंगे फिर उस पर हक किसका होगा वो जो होगा वो जो हमारे पास प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा म्यूचुअल प्रॉफिट होगा वो कैसा प्रॉफिट होगा म्यूचुअल प्रॉफिट होगा ठीक है तो कॉपरेटिव काम कैसे करती है कॉपरेटिव का काम क्या होता है सेम पर्पस, ठीक है एक ग्रुप में लोग सेम पर्पस पे काम करेंगे एंड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट एंड विद म्यूचुअल बेनिफिट समझ आए ये चीज सबका ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबका एक ही पर्पस होगा ठीक है सबका एक ही पर्पस होगा मगर बेनिफिट क्या होगा सबका बराबर होगा इस्पेक्टिव ऑफ़ द फैट कि किसने कितना रिसोर्स दिया ठीक है इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने मैंने पैसे ज़्यादा लगाए मेरा रिसोर्स ज़्यादा है मेरे शेयर ज़्यादा है तो बेनिफिट मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए नहीं ऐसा नहीं होता है ठीक है कॉपरेटिव में क्या होता है जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं एक कोपरेटिव ग्रुप में सबका सेम पर्पज होता है मगर सबका बेनिफिट कैसा होता है म्यूचुअल बेनिफिट होता है क्लियर हुआ ये चीज़ समझ आया ये चीज़ तो कॉपरेटिव क्या हुआ वो एक ऐसा ग्रुप बनना जब एक इंसान अकेले अपनी जो सुविधाएं हैं सुख सुविधाएं हैं उनको पूरा नहीं कर सकता फुलफ़िल नहीं कर सकता अपनी नीड्स फुलफ़िल नहीं कर सकता तो वो अपने जैसे और लोगों को इकट्ठा करके एक साथ काम करते हैं और वो फिर जब आगे काम करते हैं और उसमें सबका फ़ायदा होता है और उसको हम क्या बोलते हैं कॉपरेटिवस

फ़ोर्सफुली कंस्ट्रेंटली आप किसी को अपने पास अपने ग्रुप में एंटर नहीं कर सकते ठीक है इरिस्पेक्टिव जैसे आपके बिजनेस ग्रुप्स में होता है जैसे आपकी बड़ी बड़ी जो प्राइवेट uh, कंपनीज होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो करती हैं क्या स्किल्ड इंटरव्यूज लेती हैं एग्ज़ाम लेती हैं कि जो स्किल्ड पर्सन होगा जो सबसे ट्रेंड पर्सन होगा हम उसी को ही लेंगे है ना तो वो क्या है वो फोर्सफुली आपको ले रही है ना आपकी मर्जी हो ना हो बट आपको तो जाना ही है ठीक है तो ऐसा इसमें नहीं होता इट इज़ एन वॉलेंटरी एसोसिएशन मतलब अगर कई किसी लोग कई लोगों का मत, मन है जाने का खुद से तो वो जाएंगे अगर उनका बीच में रिटायरमेंट का मन है तो वो उससे एग्जिट भी वॉलेंटरीली ही कर सकते हैं कोई फोर्स नहीं करता इन द एंट्री एंड ऑल्सो द एग्जिट ऑफ द पर्सन और द मेम्बर ठीक है तो कॉपरेटिव कैसे होते हैं कॉपरेटिव वॉलेंटरी एसोसिएशन है मतलब आप इसमें एंट्री भी अपनी मर्जी से करते हो और आप एग्जिट भी अपनी मर्जी से कर सकते हो ठीक है तो इसमें जो इसमें कोई फोर्स नहीं है आपको कोई फोर्स नहीं करता या इसमें कोई भी आप किसी को जो है कंस्टेंटली नहीं बुला सकते ठीक है थर्ड ऑल्सो द थिंग इज दैट इट इज डेमोक्रेटिक ग्रुप ठीक है मतलब कोऑपरेटिव मतलब ग्रुप बन गया सब कुछ हो गया लोग अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं तो इट इज़ ए डेमोक्रेटिक एसोसिएशन मतलब इसका किसी और के साथ कोई बड़ी कंपनी कोई छोटी कंपनी कोई गवर्नमेंट या ऐसा ऐसा इनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है इट इज़ डेमोक्रेटिक ठीक है कोई इनके अपने रूल्स हैं इनके अपने प्रिंसिपल्स हैं सब कुछ इनका अपना है ये अपने उन डेमोक्रेटिक रूल्स पे ही चलते हैं और इसमें डेमोक्रेटिक का मतलब ये भी होता है कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव ठीक है जितने भी कोऑपरेटिव एक ग्रुप के मेंबर होंगे उन सबका एक डेमोक्रेटिक राइट है ठीक है और वो डेमोक्रेटिक राइट है क्या वन मैन वन वोट ठीक है क्या वन मैन वन वोट मतलब हर मेंबर के पास सिर्फ एक ही वोट की फैसिलिटी होगी कुछ भी जब उनको कॉपरेटिव ग्रुप में कुछ भी फैसले लेने होते हैं कुछ भी करना पड़ता है रिजल्ट देने पड़ते हैं तो वो हर मेंबर का एक ही जो वोट है वो काउंट होता है ठीक है तो ये डेमोक्रेटिकली ही चलते हैं इनके अपने प्रिंसिपल्स हैं ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं या ये किसी से और कोई इनकी और आ, मतलब आउटसाइड कोई भी हेल्प नहीं होती है तो इट इज़ ए डेमोक्रेटिक एसोसिएशन अब कोऑपरेटिव बनता क्यों है कोऑपरेटिव बनाया क्यों गया? रिमेंबर कोऑपरेटिव कौन बनाता है वो इंसान जो अकेले से अपनी नीड्स फुलफ़िल नहीं कर सकते खुद अपना इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसको वेल नहीं कर सकते तो वो साथ में मिलकर लोगों के साथ आ, अपना इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसको डेवलप करते हैं तो सेम कॉपरेटिव बनते किसके लिए हैं फॉर रेजिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ठीक है सी वन थिंग मोर जो कॉपरेटिव होती हैं ठीक है ठेके? जो कॉपरेटिव्स होती हैं इसमें किसी भी तरीके की इनक्वालिटीज़ नहीं होती ठीक है इसमें किसी भी तरीके की इनक्वालिटीज़ नहीं होती राधर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रादर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स रादर इट इज़ ऑन द बेस ऑफ योर कास्ट क्रीड यू you नो know, uh, जो भी ये सब चीज़ें होती हैं इसके ऊपर आप ये बिलीव ही नहीं करता मैंने बोला ना इट इज़ अ डेमोक्रेटिक इनके अपने प्रिंसिपल्स हैं तो कोऑपरेटिव्स में ऐसा नहीं है कि भाई सेम रिलीजन के ग्रुप बनाएंगे या सेम जो हमारा कास्ट होगा सेम हम लोग बनाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कास्ट कलर क्रीड ऐसा कोई इक्वालिटीज़ जो है इनक्वालिटीज़ जो हैं वो कॉपरेटिवज़ में नहीं होती तो इनका मेन काम क्या होता है सोशली एंड इकोनॉमिकली सोशली एंड इकोनॉमिकली लोगों को जो है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको इम्प्रूव करना ठीक है देखो हो सकता है हमने स्टार्ट किया था वन थाउजेंड पर हेड अगर हमारे एक कोऑपरेटिव में सपोज करो वी हैव फाइव मेंबर्स ठीक है हर पांच मेंबर पांचों के पांचों मेंबर में से हर मेंबर ने वन वन थाउजेंड रुपीज अगर शेयर किया है ठीक है तो आज हमने वन थाउजेंड किया तो अगर हमारे पास इतना अच्छा काम बढ़ रहा है हमारा काम अच्छा हो रहा है ग्रोथ हो रही है हमारे कंज्यूमर्स पर जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि हम तो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं हम क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो फिर हमारा जो आज वन का शेयर है कल को ये ज़्यादा भी तो हो सकता है है ना इकोनॉमिकली जब हमें ऐसे प्रॉफिट होने लगेगा तो फिर हमारा भी तो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो इंक्रीज होगा फिर आज जो हमारा एक कोऑपरेटिव छोटा सा था कल को हम उसको इतना बड़ा भी कर सकते हैं ठीक है तो कॉपरेटिव का मेन मोटो एक ये भी होता है टू इम्प्रूव सोशियो एंड इकोनॉमिक स्टेटस सोशल स्टेटस कैसे इंप्रूव होता है कि इसमें किसी भी तरीके की इनिक्वालिटीज नहीं है ठीक है अगर वो एक छोटी कास्ट का का ग्रुप है तो वो भी तो बड़ा काम कर सकते हैं वो भी तो एक बड़ा कोऑपरेटिव जो है वो उसको बना सकते हैं ठीक है नाउ द मेन जो एम है कोऑपरेटिव्स का दैट इज ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल इट इज इंपॉर्टेंट ठीक है क्या कि कोऑपरेटिव्स का मेन मोटो क्या है ऑल फॉर वन ठीक है ऑल फॉर वन का मतलब क्या हुआ ग्रुप में ये मैंने आपको क्या बोला कोऑपरेटिव्स के ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबका सेम पर्पस होना चाहिए सबका सेम पर्पस होना चाहिए तो ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल वन फॉर ऑल मतलब फिर जो उससे बेनिफिट होगा जो भी उससे बेनिफिट होगा उसमें सबका हिस्सा होगा सबको फायदा होगा तो म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए ठीक है कोई भी लेवल की कोऑपरेटिव हो कोई भी लेवल की कॉपरेट चाहे वो छोटी से छोटी हो चाहे वो बड़ी से बड़ी हो उसका एक ही मोटो होना चाहिए क्या कि उसके अपने मेंबर्स का भी फायदा हो और जो बेनिफिट हो वो सबका हो ठीक है तो एक्चुअल में ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल का मतलब ये भी होता है कि होल कम्युनिटी जितनी भी कम्युनिटी है जो कॉपरेटिव में भी इंक्लूडेड नहीं है जो लोग कस्टमर्स हैं जो उनके कंज्यूमर्स हैं जो उनके बायर्स हैं जो है उनका भी फायदा हो ठीक है तो ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल ठीक है अब मैंने आपको बोला कि जो कॉपरेटिव्स जो हैं वो अपने प्रिंसिपल्स पे चलते हैं उनके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं ठीक है ठीके? तो जो मेन तीन प्रिंसिपल्स हैं कोऑपरेटिव्स के वो क्या हैं डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टॉलरेंस ठीक है डेमोक्रेसी मतलब आपको डेमोक्रेसी के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में रख के ही एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को चलना है ठीक है अगर आप एक कोऑपरेटिव ग्रुप खोलने की आ, सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको दिमाग में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए ठीक है तो देखो डेमोक्रेसी का अगर हम ऐसे मीनिंग देखें तो डेमोक्रेसी क्या होता है ऑफ़ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाई द पीपल ठीक है मतलब डेमोक्रेसी लोगों से है लोगों के लिए है और लोगों की वजह से है यही चीज़ होती है तो वही सेम जो मी, जो कॉन्सेप्ट है जो मेन एम है वो कॉपरेटिवस का है कि लोगों से बनी लोगों के लिए बनी और लोगों की वजह से बनी ठीक है तो यही चीज़ है, होती है इसका एक मेन प्रिंसिपल है दैट इज़ योर डेमोक्रेसी ठीक है नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने एक कोऑपरेटिव ग्रुप अगर आपने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन खोली है या अगर आप एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर हो तो आपके कुछ मेन एम होने चाहिए आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं करने को ठीक है आपने अपना लाइवलीहुड अच्छा कर लिया आपने सब कुछ अपना ठीक कर लिया आप ठीक हो गए मगर उससे आपका फ़ायदा तो है मगर आपको लोगों का भी तो फ़ायदा करना है आपको अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इंक्रीज करना है तो वो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक चीज़ दूसरा जो भी आप चीज़ें दे रहे हो जो भी आपका कंज्यूमर कस्टमर है या जो भी बायर है कुछ भी चीज़ का जो आपका है वो आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए कि वो आप उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो और वो फिर आपको आगे आपके पास बार 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 आता रहे ठीक है तो कॉपरेटिव का मेन एक और प्रिंसिपल क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑल्सो एंड टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ठीक है एंड द थर्ड थिंग इज टॉलरेंस अब यहाँ टॉलरेंस का मतलब होता है पेशेंस ठीक है ज़रूरी नहीं है ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोऑपरेटिव एसोसिएशन या आपका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर आपने खोली है तो दैट विल बी सक्सेसफुल ऐसा ज़रूरी नहीं है ठीक है ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी कॉपरेटिव खोलो तो वो हर कोऑपरेटिव पहले ही वन गो में सक्सेसफुल हो जाए जरूरी नहीं है क्या पता उसको दो तीन अटैम्प्ट लगें क्या पता वो दो तीन बार फेल हो जाए उसके बाद वो आप बहुत अच्छे से उसको ड्रॉबैक्स से आप और अच्छे से निकाल के रहो ठीक है तो आपको इसमें पेशेंस रखना है ठीक है हो सकता है आज आपने एक कोऑपरेटिव ग्रुप खोला तो आपका महीना दो महीना कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ तो आपको पेशेंस रखना है ये नहीं कि दो महीना कुछ नहीं हो तो आप बोले यार चल छठ परे मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं तो मैं इसको बंद कर देता तो। हूँ नहीं वेट करो पेशेंस रखो ठीक है तो ये सब जो प्रिंसिपल्स हैं ये कॉपरेटिव के प्रिंसिपल्स हैं और जब भी कोई भी कॉपरेटिव ग्रुप बनता है तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स उनको सिखाए जाते हैं ठीक है आपके जितने भी कॉपरेटिव मेंबर्स हैं उनको ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिखाए जाते हैं ठीक है वन मोर थिंग ठीक है मैंने अभी आपको इसके बारे में बात की कोऑपरेटिवस का जो मेन मुद्दा था बनने का दैट इज़ कि जो भी अगर आप देखो फार्मर लोग की अगर हम बात करें फार्मर की बात करें या अगर हम कोई भी ऐसे वर्कर की बात करें जिनका जो काम है वो सेल्स का ऐसा है कि उनको गवर्नमेंट के थ्रू पहुंचना पड़ता है गवर्नमेंट के थ्रू वो अपने कस्टमर्स तक पहुंचते हैं बट होता क्या है गवर्नमेंट तक जाते जाते बीच में ऐसे मिडिल होते हैं इंटरमीडिएटर्स होते हैं जो जिनमें उनके जो रिसोर्सेज़ हैं वो काफ़ी जो हैं वो लग जाते हैं ठीक है अगर सपोज करो आप नॉर्मल रिटेल शॉप से अगर आप राजमा अगर आप नॉर्मल रिटेल शॉप से राजमा 150 पर केजी जो है आप ले रहे हो अगर आप वही सेम राजमा एक होलसेल की दुकान से लोगे तो क्या पता आपको 130 120 तक भी मिल जाए पर केजी ठीक है वो ऐसा क्यों क्योंकि जो होलसेलर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं वो डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे सामान लाते हैं तो वो सामान क्वालिटी गुड क्वालिटी का भी होता है और वो कम रेट पे होता है क्यों क्योंकि उनके बीच में कोई भी मिडिलमैन नहीं है उन्होंने डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सामान लाया है ठीक है तो क्वालिटी गुड्स भी हुए उनके पास मतलब गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट भी हुआ प्लस उनके पास वो खर्चा भी कम हुआ तो दिस इज द डिफरेंस ऐसे ही कॉपरेटिव भी होते हैं कॉपरेटिव क्या करते हैं अगर आप कोई भी चीज़ का कॉपरेटिव ग्रुप होता है तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सामान लेकर आते हैं तो जब आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सामान लेकर आओगे एक तो आपकी चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी दूसरा आप उसको सस्ते दाम में बेचोगे क्यों क्योंकि बीच में कोई मिडल मैन ही नहीं है तो उसमें पैसे आपके भी बचेंगे और कस्टमर के भी बचेंगे तो हुआ ना फायदा सेल्फ हेल्प भी हुई और म्यूचुअल हेल्प भी हुई ठीक है तो इसका मेन जो टारगेट रहता है कोऑपरेटिव का दैट इज एलिमिनेशन एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन आपको बिचोले जो होते हैं मिडलमैन जो होते हैं आपको उनको निकालना है सो so दैट की प्रॉफिट ज़्यादा हो और अच्छे क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो आगे कंज्यूमर तक पहुंचे ठीक है देन अभी मैंने आपको बोला रिमूविंग सोशल इनक्वालिटीज़ अब सोशल इनवालिटीज़ किसी भी बेसिस पे हो रिलीजन बेसिस पे हो या वो आपका कलर हो कास्ट हो क्रीड हो कुछ भी हो उसके बेसिस पे वो कोई भी इनक्वालिटीज़ को रिमूव करने की जो है वो कोशिश करता है वन मोर थिंग इज प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इट इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है देखो होता क्या है नॉर्मल अगर आप कैपिटलिस्ट अगर आप सिस्टम देखो अगर आप कैपिटलिज्म सिस्टम देखो तो क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए राइट ज़्यादा प्रॉफ़िट लेने के लिए जो अपने लेबर्स हैं वर्कर्स हैं उनसे ज़्यादा काम करवाते हैं ज़्यादा काम करवाएंगे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी तो ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा तो आपका कैपिटल भी ज़्यादा जनरेट होगा मगर इन रिटर्न उनको ज़्यादा काम के बदले लेबर को ज़्यादा ही जो है वो उनको पे करना चाहिए मगर ऐसा नहीं होता है ठीक है मोस्टली हमारा जितना भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें मोस्टली क्या होता है कि जो भी आपके लेबर वर्कर्स हैं आर्टिस जो भी लोग हैं उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है क्या बेनिफिट प्रॉफिट लेने के लिए ठीक है क्या करने के लिए प्रॉफिट लेने के लिए ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा काम तो ज़्यादा काम करवाते हैं का लोगों से मगर उनको उतना जिनका जितना उनका बनता है उतना उनको पे नहीं किया जाता तो एक्सप्लोइटेशन ऑफ जो लेबर है इन योर प्राइवेट सेक्टर या आप बोल सकते हो इन कैपिटलिज्म सिस्टम इज़ वेरी वेरी हाई ठीक है वेयर एज़ वेयर एज कोऑपरेटिव्स का ये मानना नहीं है ठीक है कोऑपरेटिव्स ग्रुप का मानना है कि कम से कम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर हो या nil हो एक्सप्लॉयटेशन लेबर की वो होती होने ही नहीं देते वो क्या करते हैं जितना काम आपसे करवाते हैं आपको उतना ही फायदा भी देते हैं ठीक है अब इसमें आपने एक चीज देखनी है कि अगर हम नॉर्मल नॉर्मल कैपिटलिज्म का देखें तो नॉर्मल कैपिटलिस्ट ग्रुप्स का जो मेन मोटो होता है प्रॉफिट, ठीक है? कि आपने जितना लगाया उसके बाद आपको कितना वापस मिला तो मेन जो उनका एम होता है दैट इज प्रॉफिट गेन करना ठीक है वेयर एज वेयर एज कोपरेटिव का जो मेन मोटो होता है दैट इज सर्विस ठीक है कि जो आपको सर्विस देंगे वो जो आपको प्रोडक्ट देंगे जो आपको गुड्स देंगे वो अच्छे होने चाहिए प्रॉफिट बेशक हो या ना हो तो इनका जो मेन एम होता है दैट इज़ नॉट प्रॉफिट बट सर्विस ठीक है बट टू प्रोवाइड गुड सर्विस ठीक है तो कोपरेटिव का मतलब मेन उनका एम क्या है कि प्रॉफिट नहीं लेना एक तो लेबर की एक्सपर्टेशन नहीं करनी जितना उनका काम करवाओ उतना उनको पे करो और दूसरी चीज़ क्या करो प्रॉफिट हो या ना हो सर्विस अच्छी होनी चाहिए ठीक है सर्विस अच्छी होनी चाहिए तो ये डिफरेंस है किसमें कॉपरेटिव में और नॉर्मल जो हैं आपके एंटरप्राइजेस में ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग इज लिमिटेड लाइबिलिटीज ठीक है सबसे पहली बात तो ये वर्ड का मतलब क्या होता है लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज क्या होती है कि मेरे सर के ऊपर कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या मेरे मेरे ऊपर कितना खर्चा है ये सब चीजें आप लाइबिलिटीज में हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझते हैं ठीक है बट होता क्या है लिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कोपरेटिव में कि आपने एक एसोसिएशन खोली ना आपने कोऑपरेटिव ग्रुप खोला अब मैंने क्या बोला था कि हमने स्टार्ट किया था वन उेंड पर पर्सन से है ना अगर हम पांच लोग हैं तो हम पांचों ने वन वन थाउजेंड ई जो है वो हमने रिसोर्सेस जो थे एज शेयर्स जो थे वो हमने डोनेट किए कुछ भी अब क्या होता है कल को बाई चांस कॉपरेटिव मैंने आपको बोलना ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सक्सेसफुल हो जाए फेल भी हो सकता है तो बाई चांस अगर आपका जो कॉपरेटिव है वो फेल हो जाए बाई चांस आपका जो कॉपरेटिव है वो फेल हो जाए तो क्या होगा तो कंपनी डूब जाए तो क्या आपके पैसे फिर जितना आपने ज़्यादा पैसे लगाए थे हज़ार तो आपने लगाए उसके बाद जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और लगे तो क्या आपको फिर वो सारे देने पड़ेंगे नहीं टिव में ऐसा नहीं होता है लिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब होता है जितना शेयर जितना शेयर आपने लगाया है जो भी शेयर होगा उतना ही शेयर आपको बाय द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ग्रुप भी मिलेगा ठीक है डिसोल्यूशन का मतलब कि कल को अगर कंपनी जो है वो डूब जाती है कल को आपका जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो जाता है तो और जो आपने लायबिलिटीज लगाई हैं या और जो आपने खर्चा किया वो आपको नहीं देना पड़ेगा आपको मिले, वो नहीं होगा आपको सिर्फ क्या देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपका शेयर ठीक है तो जितना आपने शेयर लगाया है उतना ही आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा जो है वो भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉपरेटिव ठीक है लिमिटेड लायबिलिटीज अब ये जो लिमिटेड लायबिलिटीज है इसपे हम आगे पढ़ेंगे जब हमने इंडिया में पढ़ेंगे तो तब हम तब हम देखेंगे कि इस लाइबिलिटीज़ पे भी बात हुई अर्बन में कैसी लाइबिलिटी रहेगी और रूरल में कैसे उसको हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि जितना आपने शेयर दिया है उतना ही कल को अगर कंपनी डूब जाती है तो आपको देना पड़ेगा उससे एक्स्ट्रा जो आपने बाद में लगाया है वो आपको नहीं देना पड़ेगा ठीक है देन देर इज लास्ट एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज इक्वल ओनरशिप ठीक है अगर आइडिया मेरा था ग्रुप बनाने का एक कॉपरेटिव बनाने का मगर रिसोर्स तो मेरे पास कम ही थे ना तो वो मैं बाकियों की मदद के बिना तो कर नहीं सकती थी तो ऐसा नहीं कि भाई आइडिया मेरा था ग्रुप बनाने का तो ज़्यादा ओनरशिप मेरी होनी चाहिए नाम मेरा होना चाहिए नहीं ऐसा नहीं होता है हर एक मेंबर का एक कॉपरेटिव ग्रुप में जितने मेंबर हैं हर मेंबर की अपनी अपनी क्या है ओनरशिप है ठीक है आप कभी भी कॉपरेटिव को किसी एक बंदे के नाम से नहीं देखोगे क्यों क्योंकि कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या है ग्रुप में काम करना ठीक है तो कॉपरेटिव हमेशा एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मानी जाती है ना कि एक अकेले बंदे की तो इक्वल ओनरशिप होगी हर मेंबर की क्योंकि जिसने uh, ज्यादा शेयर दिए नहीं जिसने जितना मर्जी शेयर दिया हो मगर हर मेंबर की इक्वल ओनरशिप होगी हर मेंबर का उतना ही हक होगा एक कॉपरेटिव के पूरे उस पर जितना की uh, बाकियों का होगा क्लियर हुआ ये चीज तो ये थे आपका मीनिंग विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर कोऑपरेटिव कोपरेटिव्स ठीक है तो आई होप कि आपको इसके साथ मीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा ओके स्टूडेंट्स सो विद दैट आई विल फिनिश दिस वीडियो हेयर ओनली बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा बर्डन ना हो अभी आप सिर्फ इस मीनिंग को ही समझो कॉपरेटिव का कि कॉपरेटिव का मीनिंग क्या है राइट right? एक चीज और दूसरी चीज़ ये कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे योर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेटिव थैंक यू